हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेक फ्लैब में एक्सपेंशन जॉइंट पर रैम फोर्समेंट कैसे डाली जाती है। यह है रैम फोर्समेंट एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। आप लोग देख सकते हैं एक टीर त्री के ऊपर गया है और एक एंगल के रूप में कटा है। ये पोजीशन है अबाउट मेंट पर, जहाँ से ब्रिज ख़त्म होती है और ढाल शुरू हो जाता है और आरी वाल के लिए। ये बेल्ट जॉइंट द्वारा फिक्स किया जा रहा है ताकि पिन करते वक्त, वाइब्रेटर करते वक्त या फॉर्म निकालते वक्त अपनी जगह पे स्थिर रहे। इतने स्थान की कंक्रीटिंग के लिए इसलिए छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे जब साइट पे ही बीम या गर्डर बनाया जाता है तो उसकी प्रीस्ट्रेसिंग करने में दिक्कत आती है। अगर इतना जगह नहीं छोड़ेंगे, स्थान नहीं छोड़ेंगे डेक स्लैब का, तो प्रीस्ट्रेसिंग करने में दिक्कत आती है। इसलिए इतना जगह छोड़ दिया जाता है। जब प्रीस्ट्रेसिंग हो जाती है तब इस पे जॉइंट डेक स्लैब में दिया जाता है।